तो दोस्तों यार कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल मैक्स टेक्नोलॉजी पे। दोस्तों यार आज की वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं GTA San Andreas। तो ये GTA San Andreas का नया अपडेट है ये यार। वैसे आ चुका था कुछ 5 वीक पहले ही आ चुका था, पर यार डाउनलोडिंग पार्ट्स बनाने में लिंक बनाने में थोड़ी देरी लग गई, क्योंकि ये गेम है 2.41 GB की और मैंने इसे थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, जिससे कि हो गई है कुछ MBA कम हो चुकी है। फिर मैंने इसे पार्ट में डिवाइड करके यार आपके लिए लाया हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, और दोस्तों यार मेरे सब्सक्राइबर ने भाई एक कमेंट किया था कि भाई क्लाउड गेम्स की कोई ट्रिक लाओ भाई, जिससे कि हम खेल सकें क्लाउड गेम्स में गेम्स। ठीक है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि अब क्लाउड गेम्स की कंपनी जो है भाई, उन्हें पता लग चुका है कि भाई हैक करके खेल रहे हैं। जब क्लाउड गेम्स आया था भाई 2017 में आया था, तो भाई मैं तब से क्लाउड गेम यूज़ कर रहा हूँ। तब भाई बहुत ज़्यादा हैक चला था भाई क्लाउड गेम्स का, कभी ये वाला हैक APK, कभी चाइनीज़ वाला हैक APK, कभी ये कीला कभी वो कीला, भाई बहुत सारी हैक्स चले थे भाई की को पता नहीं क्या क्या था। तो यार वो जमाने चले गए। अब भाई तुम्हें अपनी मेहनत से बाय करके खेलनी पड़ेगी गेम, जो कि आप 1 महीने के लिए बाय कर सकते हो मेरी उस वाली वीडियो से, जो कि मैंने पहले डाल दी थी। आप कोई नहीं इकट्ठा कर लो, फिर 1 महीने के लिए बाय कर लो। बस यार आपको थोड़ा सा सबर रखना होगा, रोज़ाना लॉगिन करते रहना होगा। आपको 200-200 कॉइन मिलेंगे रोज़ाना, तो भाई बुरे नहीं हैं वो। उन्हें यार कलेक्ट कर लो, किस दिन भाई पूरे हो जाएंगे। तुम जो भी गेम बाय करना चाहते हो 1 महीने के लिए, उन्हें उसे कर लो। ठीक है, तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों चलिए यार प्रोसेसिंग जो है शुरू करते हैं। दोस्तों यार पहले आपको चाहिए होगा ZR Cheever। ठीक है, और भाई इस ZR Cheever को आपने ओपन करना होगा। और मैं बताना भूल गया भाई, ये जो गेम है ये कुछ पार्ट्स में, ठीक है, आप देख सकते हो 250 MB के 7 पार्ट हैं, और बाकी जो आठवां जो हमारा पार्ट है वो है 73.93 MB का। ये थोड़ा कम है 250 MB से। तो फिर ये सारे पार्ट्स देख लीजिए, ये सारे पार्ट्स और ये APK आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है भाई, गूगल ड्राइव का लिंक दे, मैं कोई शॉर्टनर नहीं देता, मैंने सब टू अनलॉक वाला भी छोड़ दिया वाला शॉर्टनर, अब मैं सीधा आपको डायरेक्ट लिंक देता हूँ। ठीक है, अब तो फिर हमने ये पहली वाली फाइल इस पर टैप करना है। ठीक है, और दोस्तों यार जो मैंने APK दिया है भाई यार, वो क्लियर मोड्स वाला APK है, आप उसे ही डाउनलोड करिएगा, क्योंकि अगर आप वाला APK डाउनलोड नहीं करेंगे तो आपकी गेम में चीट्स भी लगेगी, और चीट कैसे लगेगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। और भाई चीट्स की भी वीडियो आएंगी, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीट्स लाऊंगा, जो कि काफ़ी जहर जहर खतरनाक खतरनाक वाली चीट्स लाऊंगा आपके लिए। तो आपको सिंपली भाई एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना, जो कि जैसे कि आपने देख ही लिया हुआ, अभी एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना आपको। ठीक है, आपको ये APK भाई साहब इंपॉर्टेंट है, अगर आपको चीट लगानी है। ठीक है, आप कहीं और से APK डाउनलोड मत करिएगा, ये क्लियर APK है, इसमें आपकी गेम भी चल जाएगी, चीट्स भी लग जाएंगे, और ये फुल वर्जन है भाई गेम का, खेलने में मज़ा आएगा। और इसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों थोड़ा मतलब गिलीच जो होते थे हमारी गेम्स में वो थोड़े फिक्स किए गए हैं। वैसे 2.00 न्यू अपडेट है, मतलब न्यू वर्जन है, कुछ बता रहे हैं कि कुछ फिक्स किया गया है। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं यार, ये वाला जो वर्जन है ना GTA San Andreas का, ठीक है, ये वर्जन उन एंड्रॉयड वर्जन के लिए नहीं है जो कि पुराने, जैसे कि लॉलीपॉप, मार्शमेलो, किटकैट, और ये जो पुराने वर्जन है ना एंड्रॉयड वर्जन, ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि भाई उनमें चलेगी नहीं भाई ये वाला वर्जन। ठीक है, ये उनके लिए नहीं, अगर आपका नोगट है तो चल जाएगी, ओरियो है तो चल जाएगी, बस किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो इन सब में चलेगी। ठीक है, मैंने पहले बता दिया आपके लिए पुरानी वाली GTA San Andreas है। ठीक है, तो अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है, मैंने प्रोसेसिंग को स्किप नहीं किया क्योंकि मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, और अभी ये प्रोसेसिंग हमारी होने वाली है। तो प्रोसेसिंग बस होने वाली है आपके फ़ोन में। उसको 2 GB स्पेस तो भाई खाली होना चाहिए, दो जी बी स्पेस तो भाई खाली होना चाहिए आपके फ़ोन में इस गेम को खेलने के लिए। ओके दोस्तों, अब आएगा भाई ये इस वाली फाइल का एक्सट्रैक्ट क्लियर करने के बाद आपके सामने आएगा ऐसा कुछ फोल्डर। ठीक है, इस फोल्डर को पहले आपने नहीं छेड़ना, फिर उसके बाद करना आपको APK इंस्टॉल। ठीक है, APK इंस्टॉल कर लीजिए, ये क्लियर APK भाई। तो फिर
जरूर से भाई, अगर आप चीट लवर हो जी टी सेंट्रिया के तो भाई जरूर इसे डाउनलोड करोगे भाई, और वर्जन भी देख सकते हो 2.00। ठीक है, अब तो फिर चलो अभी इसे ओपन नहीं करते, हम बैक आ जाते हैं। और अब ये जो वाला फोल्डर है हमें अब इसे छेड़ना है। ठीक है, अब इसे ऐसे टैप करके रखेंगे, टैप करने के बाद ये ऑप्शन आ रहा होगा, कैंची का ऑप्शन आ रहा होगा एक कट का। ठीक है, कैंची जो बनी आ रही है कैंची वाली कट, इस पर क्लिक टैप कर देना है। फिर आना है आपको डिवाइस मेमोरी, एंड्रॉयड, OBB, देख लीजिए दोबारा से, मैं एंड्रॉयड में टैप किया, फिर OBB, फिर उसके बाद पेस्ट। दोबारा से एक बार प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, मैं वीडियो को स्किप कर दूँ। तो यार आप देख सकते हो कि ये जो हमारी प्रोसेसिंग है ये हो चुकी है पूरी। अब फिर हम इस वाले फोल्डर को ओपन करके देखेंगे तो एक 500 MB की फाइल है मेरी, 1.83 GB। ठीक है, अब आ जाना है हमें बैक, अब इससे कुछ लेना देना नहीं है हमें। ठीक है, अब बैक आ जाना है, ये आपको दिख रहा होगा GTS GUS करके दिखाई दे रहा होगा। टैप करने के बाद आपकी गेम ये चल जाएगी, आपको ऑफलाइन पे क्लिक करना है सिंपली, जो गेम करते आ रहे हैं हमारा काम है भाई ऑफलाइन पे क्लिक करना, और स्टार्ट गेम पे आप देख सकते हो स्टार्ट गेम पे। ठीक है, अब ये थोड़ा देख लीजिए, और ये फुल वर्जन तो आपको खेलने में भी मज़ा आएगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको खेलने में। अभी गेम लोड हो रही है, अब आपकी जो गेम है यार वो थोड़ी लैग होगी। अब मैंने सेटिंग्स भी बताई है भाई, पूरी सेटिंग बताई मैंने लैग की। अब देखिए कैसे ग्राफिक थोड़ा रेंडरिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ग्राफिक्स में थोड़ा कटे फिटे ग्राफिक्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर टैप करना है मैप पे, मैप पे जाने के बाद आना है आपको सेटिंग्स में, ना ये ऑप्शंस में आना है, ऑप्शंस में आने के बाद आपको जाना है ये TV जो बना रहे डिस्प्ले सेटअप, इस पर आ जाना है। ठीक है, इन सबको कर देना है भाई साहब एकदम फुल, और इसे कर देना है मैक्स लो। ठीक है, ऐसा कर देना है, शेडो ऑफ रख दे, कार रिफ्लेक्शन इसे आप थोड़ा कैसे भी ऑफ कर दीजिए, और फिर बैक आ जाइए, बैक आ जाइए, तो आपकी जो गेम है वो पहले से थोड़ी सुधर गई होगी। अब देख सकते हो मैं भी इन्हीं ग्राफिक्स पे खेलता हूँ, और देखिए दोस्तों कोई भी चीट नहीं है। मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे आपको चीट लगाना है और कैसे यूज़ करने हैं, और मतलब कैसे यूज़ करना, मतलब कैसे वही बताऊँगा ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। यार इस वाली वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, एंड मैं यार एक वीक से वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि यार मैं इसके पीछे लगा हुआ था कि भाई पार्ट 2 बनाने, भाई थोड़ा सही करना है हमें, वीडियो अच्छी बनानी है थोड़ा क्रिएटिंग में भी, और मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक भी थोड़ा अलग करा है, तो मैंने बहुत कुछ चेंज किया है। ठीक है दोस्तों, तो यार मैं एक वीक से इसलिए वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं इस गेम के पीछे लगा हुआ था। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वाली वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करिए, नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं डिसलाइक कर देना। अगर चैनल पे न हो तो भाई चैनल अच्छा लग रहा हो तो वही सब्सक्राइब भी कर देना। अगर भाई गेमिंग से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी अगर गेमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भाई मैं आपको सॉल्यूशन बता दूँ, बस आपको करना क्या है, आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, कमेंट कर देना अगर इसका कुछ भी सॉल्यूशन होगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।